एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान में यूक्रेन का प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यात्रियों को लेने के लिए यूक्रेन का प्लेन पहुंचा था लेकिन उसे हाईजैक कर लिया गया है, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। हथियारों से लैस लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है, रविवार से अब तक प्लेन का सुराग नहीं मिला है। रविवार को ही प्लेन हाईजैक होने की खबर मिली थी और अभी तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं है। अफगानिस्तान में यूक्रेन का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, यूक्रेन से ये प्लेन यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा था, यात्रियों को लेने के लिए पहुंचा था और रविवार को इसके हाईजैक होने की जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं है, दो दिन के बाद भी हथियारों से लैस लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अज्ञात लोग ईरान की तरफ ले गए हैं प्लेन, यूक्रेन के एक मंत्री की ओर से ये स्टेटमेंट भी आया है और ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया उनके पास हथियार भी हैं। हथियारों से लैस लोगों ने प्लेन हाईजैक कर लिया है, रविवार से लेकर अब तक प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला है। यूक्रेन का ये प्लेन बताया जा रहा है जो कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचा था, उन्हें लेने पहुंचा था लेकिन रविवार को ही इसे हाईजैक कर लिया गया है। यात्रियों को यूक्रेन से लेने आया विमान हाईजैक हो गया है, ये बड़ी खबर। यूक्रेन के मंत्री ने बताया है कि अज्ञात लोग ईरान की तरफ ले गए हैं प्लेन, यानी इस प्लेन को पहुंचना तो यूक्रेन था लेकिन जिन्होंने हाईजैक किया है इस प्लेन को वो ईरान की तरफ ले गए हैं इस प्लेन को, यूक्रेन के एक मंत्री की ओर से ये बयान भी आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट अभी तक? जी हाँ बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के एक मंत्री के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत एक प्लेन कीव से काबुल पहुंचा था लेकिन काबुल से उसे कुछ लोग उड़ाकर ईरान लेकर, वो कौन लोग हैं किसके सारे ये जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन सरकार ने अभी ये भी नहीं कहा है कि वो उनकी तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है ताकि वो प्लेन को वापस वो ले सकें, उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या वो लोग ईरान की मदद ले रहे हैं या फिर रूस की मदद ले रहे हैं। तो इन तरह के तमाम सवालों के बीच इस बात का अंदेशा था कि जो एक अराजकता की एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है उसका ये चरमोत्कर्ष है कि जब एक प्लेन वहां राहत अभियान के लिए आया है एक ऐसे समय में जब एटीसी पर पूरी तरह से अमेरिकन फोर्सेस का कब्जा है, उस समय एक प्लेन को कुछ अनजान लोग, हालांकि मुझे लगता है कि कुछ अनजान लोग के संदर्भ में उन कार नहीं जानती है कि इस प्लेन को उड़ाने वाले ये लोग कौन है जो इस प्लेन को यहां से ईरान लेकर चले गए, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है या जानबूझकर ये किया गया है, इसके बारे में अभी जानकारी। मनीष, इस बारे में कुछ पता चला है क्या? जिन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यूक्रेन से ये विमान निकला था इस प्लेन में वो सभी लोग सवार थे, उसके बाद इसे हाईजैक किया गया है? देखिए इस समय फिलहाल यूक्रेन नहीं मिल पाई है, बस ये बताया गया था कि 83 लोगों को ऑनबोर्ड ये प्लेन लेकर गए थे और उसमें 31 यूक्रेनियन भी थे जो कि अफगानिस्तान से कीव जाना था जिनको, लेकिन अभी क्या स्थिति है इसके बारे में थोड़ी और जानकारी का इंतजार है जब यूक्रेन सरकार बताएगी इसमें कितने लोग शामिल थे और क्या जो उठाकर ले जाया गया है ये यूक्रेन अथॉरिटी के ही लोग थे या फिर अफगान या तालिबान के लोग थे। दो दिन हो गए मनीष, रविवार को ही ये जानकारी मिली थी कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद से यूक्रेन की गवर्नमेंट की ओर से कैसे पता चल पाया कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और अभी क्या कार्रवाई हो रही है यूक्रेन की ओर से कि इस प्लेन की लोकेशन के बारे में कुछ पता चल सके, उन लोगों के बारे में कुछ पता चल सके जिन लोगों ने हाईजैक किया इस प्लेन को? जी हाँ बिल्कुल, देखिए चुकी और ये बात पर यहाँ पर यही कुछ एप्लीकेशन है क्योंकि अगर ये हाईजैक का मामला हो की जानकारी बहुत लिमिटेड जानकारी यूक्रेन की सरकार की तरफ से नहीं दी जाती, बहुत हद तक ये संभावना है कि ये कुछ मिसकम्युनिकेशन है या फिर कुछ यूक्रेन की सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक रविवार को 83 जो पैसेंजर है उनको लेकर ये विमान उड़ा था जिसमें 31 यूक्रेनियंस थे और उसको अफगानिस्तान से कीव जाना था लेकिन पता ये चला कि उसमें से 12 यूक्रेनियन मिलिट्री पर्सनल जो है वो घर लौट आए हैं लेकिन अभी तक जो बाकी लोग थे उनके बारे में कोई पता नहीं है। तो बहुत हद तक इसमें अगर आप कहें तो ये काबुल की दशा के अलावा यूक्रेन की जो अपनी राजनीतिक अस्थिरता है उसका भी एक परिणाम हो सकता है
जहां पर कि ऑनबोर्ड जाने वाले लोगों ने शायद तय किया हो कि उन्हें यूक्रेन की बजाय कहीं और जाना है। तो इस निश्चित तौर पर जो यूक्रेन के अपनी जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं उसके बीच में हमें देखना होगा कि क्या इसमें तालिबान का कोई हाथ है या फिर ये यूक्रेन की आंतरिक राजनीति। बिल्कुल मनीष, बहुत स्पष्ट रूप से कोई जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन यूक्रेन सरकार की ओर से ये जरूर कहा गया है कि उनके एक प्लेन को हाईजैक किया गया है। और ये भी बताया गया है मनीष कि जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया उनके पास बहुत संख्या में हथियार भी हैं, हथियारों से लैस हैं वो लोग, कौन हो सकते हैं ये? देखिए मुझे कि ये राहत है अच्छा, और उसमें यूक्रेन के सिविलियन के अलावे यूक्रेन के मिलिट्री पर्सनल जो थे वो भी उसमें शामिल थे। और ऐसी स्थिति में अगर मिलिट्री पर्सनल्स में से बहुत सारे लोग जो वापस कीव नहीं लौट कर गए, जहां 83 लोगों में से सिर्फ 12 लोग ही वापस यूक्रेन लौट कर गए थे, तो अब ये क्या यूक्रेन के ही बागी लोग थे या यूक्रेन के वो मिलिट्री पर्सनल जो कि अब स्वदेश नहीं है, उनको वो अनजान और हथियारबंद लोग के तौर पर यूक्रेन सरकार आइडेंटिफाई कर रही है या फिर का मसला है? क्योंकि जो इसके फैक्ट सामने आ रहे हैं कि दो दिन के बाद जिस तरह से लिमिटेड इंफॉर्मेशन के तौर पर यूक्रेन की सरकार का ये दावा है, उससे बहुत हद तक ये लगता है कि ये यूक्रेन की जो आंतरिक राजनीति है उसका भी एक परिणाम हो सकता है, जहां पर प्लेन पर यूक्रेन के ही मिलिट्री अधिकारियों ने ये तय किया होगा कि उन्हें यूक्रेन के बजाय किसी और देश चले जाना चाहिए और उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वो फैसला लिया। मनीष, सवाल इससे पहले मैं ये पूछ रही थी कि यूक्रेन का विमान जो अफगानिस्तान जिससे पहुंचना था और वहां से लोगों को रेस्क्यू करना था, वो ईरान के रास्ते जाता है, ये क्या बताता है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहली नजर में तो यही लगता है कि यूक्रेन के विमान को वापस काबुल से कीव लौटना था जो कि नहीं लौटा और वो विमान ईरानियन एयर स्पेस में चले गया या फिर कहें आपकी ईरान में चले गया। अगर इसके पीछे का आप एक राजनीतिक घटनाक्रम ये भी देखें कि जिस तरह से यूक्रेन में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ईरान रशिया ये यूक्रेन को लेकर एक अलग तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वैसे में बहुत हद तक लगता यही है कि यूक्रेन के ही बहुत सारे जो सैन्य अधिकारी जिन्हें वापस लौटना था उन्होंने ये तय किया कि वो बजाय जो आप बात बता रहे हैं इसको ठीक ढंग से समझते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान साहब भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राज कादियान साहब, आपको क्या लग रहा है जो हमारे संवाददाता मनीष बता रहे हैं कि यूक्रेन में भी इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इस बीच ये खबर सामने आना कि अफगानिस्तान यूक्रेन के एक प्लेन को पहुंचना था, रविवार को ही पहुंचना था और उसे हाईजैक कर लिया गया और वो ईरान के रास्ते में? देखिए अफगानिस्तान की हालत आजकल बड़ी कंफ्यूज है, कुछ तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कंट्रोल चाहते हैं अफगानिस्तान में ताकि वो अपने नागरिकों को अपने सैनिकों को निकाल सके, उसके लिए टाइम चाहिए था आज मीटिंग है G7 की, लेकिन दूसरी तरफ चाइना है, रशिया भी चुप है, पाकिस्तान तो है ही इनके साथ मिला हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो मुमकिन है, ये मुमकिन बिल्कुल है, लेकिन हाईजैक तो जो भी करेंगे उसमें तालिबान पहले ही थे, लैंड करने के बाद तो, क्योंकि आज के दिन जो काबुल का एयरपोर्ट है वो अमेरिकन के कंट्रोल में है, तो वहां से तो हाईजैक हो नहीं सकता। अगर हाईजैक हुआ तो एयर से हुआ होगा, तो फिर वो एयर में ही होंगे कुछ लोग जो हाईजैक करना चाह रहे थे। ईरान का रवैया भी साफ नहीं है, उनको अपनी चिंता है, एक तो वो शिया देश है अफगानिस्तान सुन्नी है, दूसरा वो रिफ्यूजी उनकी तरफ भागेंगे, वो पहले भी 1.5-2 लाख उनके पास है रिफ्यूजी, तो उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। लेकिन ये अगर समाचार है तो मुमकिन है, सही है या नहीं है ये तो टाइम बताएगा, लेकिन मुमकिन है। सर, जैसा हमारे सहयोगी अभी मनीष बता रहे थे कि एक कम्युनिकेशन गैप भी है और इसी वजह से बहुत स्पष्ट रूप से कोई जानकारी भी नहीं निकल रही है, लेकिन हाँ एक ये भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि यूक्रेनियन की ओर से ही लिया गया फैसला हो कि उन्हें अपने देश ना जाकर के कहीं और जाना है। नहीं, जिसने भी हाईजैक किया है वो जाहिर है यूक्रेनियन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है जी, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता जब तक और समाचार नहीं आते, कुछ भी हो सकता है। वो जिसने भी हाईजैक किया है वो तालिबान के सिंपथाइजर है, लेकिन फिर वो ईरान क्यों ले गए, हो सकता है उसको कंधार में लैंड कर देते हैं अगर तालिबान से मिले हुए, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कंफ्यूजन है। जी सर, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर सरकार की ओर से, यूक्रेन की सरकार की ओर से जारी करता है तो हमें भी कुछ पुख्ता रूप से पता चले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनीष आपका भी पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।